नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जय जय न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बुधवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मरचूला बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो वहीं उन्होंने इस मामले में सोमवार को रामनगर के सरकारी अस्पताल घायलों का हाल चाल जानने पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हुए विरोध की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। जिस संबंध में उन्होंने कहा कि ये मौका विरोध करने का नहीं था बल्कि संवेदनाएं व्यक्त करने का था। विरोध यदि था तो कभी भी किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से वार्ता करते हुए कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिगत उनके खिलाफ कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी कर आरोप लगाए गए हैं जो कि पूरी तरह से निराधार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले में भी ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने बस दुर्घटना के मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो इसको रोकने के लिए सरकार भी गंभीर है। उनके द्वारा भी अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वाहनों में ओवरलोडिंग ना हो और गाड़ियों की फिटनेस ठीक हो। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आए। आज जो प्रेस वार्ता है, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो घटना, एक दुखद घटना हुई शल्ट में, जिसमें 36 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, किसी ने अपने माँ बाप खोए, किसी ने बच्चों खोए, किसी ने परिवार का मुखिया खोया, जिसमें 36 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। ऐसी दुर्घटना होना क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। ये अन्य कारण भी इसमें इसका संदेश बहुत जाता है कि पहाड़ों में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मैं उन परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन परिवारों को उनके न होने का दुख भगवान उनको झेलने की शक्ति दे, उनके मनोबल को बढ़ाए। और जहाँ तक सरकार का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी, सांसद अजय भट्ट जी, हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, विधायक महेश जीना जी और विधायक दिलीप महंती जी, उस दुख की घड़ी में हम लोगों के बीच में थे। उन्होंने भी लोगों को हौसला अफजाई की और पूरा स्टाफ, पूरा जो प्रशासन यहीं रामनगर में था, हम लोग भी सुबह से शाम तक वहीं थे। और सभी लोग जब देख रहे थे तो सभी, मैं बाज़ार भी गया कल, तो दुकान के लोग कह रहे थे साहब हमको तो ऐसा लगा कि आज ये पहली बार क्या हुआ। जब वो एम्बुलेंस आ रही थी, जा रही थी, चीख पुकार हो रही थी, तो इस प्रकार की जो दुर्घटना हुई है उसमें हम सब लोगों का सहयोग रहा है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, जबकि उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में छोड़कर हम लोगों के बीच में आए थे, यहाँ उन लोगों को देखने, उनके परिवारों को देखने, तो उनके प्रति भी जिस प्रकार का व्यवहार, वो शोभनीय नहीं है। और जो भाषा थी, ऐसी भाषा कोई अच्छा आदमी नहीं कर सकता। इस प्रकार के, ठीक है, आंदोलन होते हैं, नारे लगते हैं, होना चाहिए प्रजातंत्र में, लेकिन जिस प्रकार की भाषाएं वहां बोली गई और ऐसे टाइम पर मरीज के जो परिवार के लोग थे उनकी चिंता ना करके केवल अपनी, हम तो आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा कर रहे थे। तो मेरा, और मैं प्रशासन से भी मैंने कहा, जो भी लोग हों
वो कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों ने इस प्रकार के कमेंट किए हैं, व्यक्तिगत मुझ पर भी किए हैं, मैं उसमें अपने कानून लोगों से कानूनी लोगों से सल ले रहा हूँ और मैं मानहानि का दावा करने की सोच रहा हूँ। या तो वो प्रूफ दें जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। इस प्रकार की भाषा से बोलने से आज आदमी सब समय तक कौन बोल रहा है ये भी लोग देखते हैं, कौन व्यक्ति बोल रहा है, किसके प्रति बोल रहा है, ये आज आदमी सब देखते हैं। तो हम सब लोगों को ठीक है, हम हॉस्पिटल के पीपी मोड के खिलाफ हमारी नाराज़गी होगी, लेकिन वो दिन चुनना कोई अच्छी बात नहीं है। हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। उस दिन केवल हम सब लोगों का ये काम होना चाहिए था, जिन परिवारों ने अपने खोए थे, जिनको चोटें लगी थी, जो घायल थे, केवल उनके बारे में चिंता करना हम लोगों का काम था। और वो हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने भी किया। एम्स से भी डॉक्टर आए, हमने मालधन के डॉक्टरों को यहाँ बुलाया, सीएम हमारे यहाँ रहे, सुबह से शाम तक सीएम बस हमारे रहे। तो इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, बस मेरा इतना ही कहना है। और आप पत्रकार बंधुओं से कि इस प्रकार हमको नाराज़गी हो सकती है, हमको आंदोलन हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वो उस दिन नहीं होना चाहिए था। हम आगे करें, कोई किसी से कोई मना थोड़ी है, हम आंदोलन करें, विरोध में जाएं, लेकिन जो उस दिन हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और एक संदेश भी बाहर अच्छा नहीं गया है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। तो इतनी ही बात मैं आप लोगों से कहना, लोगों को भी, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती किसी के भी साथ हो सकती है, उसमें जो लोग गए उनके परिवार किस प्रकार से, मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी बच्ची जिसके माँ बाप चले गए उसका कुछ नहीं है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उसको गोद लिया है, कि उसकी पढ़ाई तक उसके जिम्मा उन्होंने लिया है, सरकार ने लिया है। तो ऐसे और हर चीज़ में उन्होंने कहा है, जो सरकार से जो सहायता 4 लाख जो जिनकी मृत्यु हुई है 4 लाख उनको देने की बात हुई है, 1 लाख रुपया घायल होने के, उसी प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री कोष होता है उससे भी 2 लाख मृतकों को और 50,000 रुपया घायल को देने की बात। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर हमको और करना पड़ा, अगर कहीं किसी के और ज़्यादा उसका इलाज लगता है तो हम उसको भी करेंगे। हमको नाराज़गी हो सकती है, सब कुछ है, लेकिन उस दिन क्या ये होना ज़रूरी था? बुधवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्टी ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सोमवार को मरचुला क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, तो वहीं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जब अस्पताल मुख्यमंत्री घायलों का हाल जानने पहुंचे तो उस दौरान मुख्यमंत्री के विरोध कार्यक्रम को लेकर उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा विरोध यदि करना था जिन लोगों को भी करना था वो उस घटना की बात करते और वो दिन विरोध का नहीं था। उन्होंने कि ऐसे अवांछित तत्वों के खिलाफ उन्होंने एसएसपी नैनीताल से कार्रवाई करने की बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है जो पूरी तरह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शहर का माहौल किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक भाजपा के नहीं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। लोगों की नाराजगी स्वाभाविक थी लेकिन आज ये वक्त जो था वो सांत्वना व्यक्त करने का था, लेकिन लोगों ने इसमें राजनीति खेल कर शहर का माहौल खराब किया। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर यह निंदनीय और उन्होंने इस मामले में उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया। उन्होंने कहा चाहे उसमें कोई भी लोग हों जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से की गई टिप्पणी को लेकर भी उन्होंने कहा कि वह अपने कानूनी सलाहकारों से जानकारी ले रहे हैं और इस मामले में मानहानि का केस भी उनके द्वारा शीघ्र दर्ज कराया जाएगा। और उन्होंने ऐसे अवांछित लोगों से शहर के लोगों से सावधान रहने की अपील की है कि जो लोग शहर का माहौल खराब कर रहे हैं उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि शीघ्र इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। तो खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए संवाददाता राजय अग्रवाल ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जय जय न्यूज़। धन्यवाद।